हाय हेलो मासी, फिर से एक बार मैं वापस आ गया हूँ। और इस बार मासी आने का कारण है सोमनाथ मेले को थोड़ा सा कवर करना। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मासी के बहुत ही मशहूर भूमिया मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। और ये एक जो बोर्ड है आई लव मासी, ये नया लगा है पहाड़ में। ये ट्रेंड एकदम कैच अप कर चुका है, अब हर जगह मिलता है। इनफैक्ट गाँव के भी अब बहुत सारे गाँव वालों ने भी ऐसे ऐसे बोर्ड्स लगाए। इस वीडियो में मैं आगे दिखाऊँगा मासी के मशहूर और बहुत ही पुराने सोमनाथ मेले की कुछ ख़ास ख़ास झलकियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ शिवालय में मासी में। और अभी हम लोग उतरे कनौड़ी गांव से, जो कनौड़ी गांव के नंगण और निसान थे उनको लेकर के। और अब वो लोग आगे की तरफ गए हैं जहाँ पर एक और जो गांव है मोहना गांव, वहाँ के लोग इनसे मिलेंगे। और फिर ये आगे से पूरा घूमते हुए रोड से मासी बाज़ार की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ से वापस ऐसे नदी क्रॉस करके, लेकिन हम मासी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। कुछ इस तरह से नदी पार करी जा रही है। आज मासी के सोमनाथ मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आने वाले हैं, तो ये उसके लिए सारी स्वागत की तैयारियां हो रही हैं।
करीब 3-4 दिन बजे के आसपास मुझे लगता है यहाँ पर कार्यक्रम है। और यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल लगे हैं, अगर आप देखेंगे अलग अलग जो सरकारी विभाग होते हैं मुझे लगता है वो यहाँ पर उनकी टीम्स बैठी हैं, लोगों को एक तरह से लोग अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनको भी ये लोग आंसर करेंगे। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है क्योंकि सोमनाथ मेला इस इलाके का बहुत बड़ा मेला होता था एक ज़माने में, लेकिन कुछ सालों में थोड़ा सा क्योंकि शायद पलायन और लोग नहीं थे तो उस वजह से ये मेला काफ़ी छोटे स्केल पर हो गया था, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने मिलकर के कुछ समितियाँ बनाई और ये कोशिश करी है कि इस मेले का वापस से दोबारा से उत्थान किया जाए। तो इसलिए काफ़ी बड़े बड़े नेता लोग और मुख्यमंत्री का आना एक छोटे से इस इलाके में काफ़ी बड़ी बात है। तो उम्मीद ये है कि तो कुल मिलाकर के उम्मीद ये है कि ये जो सोमनाथ मेला है इसको हम इसके उसी भव्य रूप में देख पाएंगे जो हम पहले जब बचपन में छोटे थे तब देखते थे। इसी उम्मीद के साथ काफ़ी काफ़ी भीड़ जुटने वाली है यहाँ पर, और काफ़ी क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो काफ़ी पुलिस और काफ़ी सुरक्षा उसके लिए यहाँ पर करी गई है। पीछे हेलीपैड एक उनके लिए लैंडिंग के लिए बनाया गया है, एक यहाँ पर लोकल क्या बोलते हैं उसे कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा को जैसा कुछ कॉलेज है शायद। तो देखिए इस मेले में क्या होता है कि बाहर से बहुत सारे लोग अपना सामान लेकर के अपने स्टॉल लगाने के लिए भी आते हैं, स्टॉल लग रहे हैं। उम्मीद है कि भी थोड़ी देर के बाद थोड़ी गर्मी कम होगी तो लोग बाज़ार में आएंगे तो यहाँ से ख़रीदारी होगी और ख़रीदारी करेंगे। इन लोगों को भी अगर ये मेला अच्छा जाता है तो इन लोगों को भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आगे से भी आएँ और मेले में आएँ, अपना इनको भी अपना फ़ायदा हो अपने सामान वामान बेचने का। तो कुल मिलाकर के पूरे इलाके की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए होते हैं ये मेले। तो ये बेसिकली मासी बाज़ार के पीछे वाली ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ यूजुअली पुराने टाइप का ये सब जगह थी, तो यहाँ पर ऐसी सब दुकानें लगी जाती हैं, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए बच्चे आते हैं, खासकर बच्चों के साथ इसमें काफ़ी उत्साह होता है। और ऑनेस्टली मैं खुद इस मेले में ऐसे बहुत बहुत टाइम के बाद आया हूँ तो बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हुई जब हमें भी बड़ों से कुछ पैसे मिलते थे और हम अभी कराते हैं पूरे लैंड में नहीं है ना, घूमने फिरने आते थे बेसिकली और क्या। और अभी अभी मुख्यमंत्री धामी यहाँ आ चुके हैं, इधर उसके पीछे का स्टेज है जहाँ पर कुछ मंत्रोच्चारण के साथ मेले का उद्घाटन आप कह सकते हैं वो करा जा रहा है, और उसके साथ ही ये झूले वगैरह सब शुरू हो गए, इससे पहले नहीं शुरू होते ये लोग, और लोगों का आना भी काफ़ी शुरू हो गया, काफ़ी भीड़ जमा उस तरफ और लोग भी इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। आज मैं आपको लेके चलता हूँ जो सोमनाथ मेला हो रहा है उसके एक छोटा सा जो बाज़ार लगता है यहाँ पर लोकल लोगों की शॉपिंग के लिए, और अब क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4:15 तो लोग अब आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, अभी देखते हैं कि कैसा माहौल है पूरे बाज़ार में। यहाँ पर जो जितने भी आप दुकानें देख रहे हैं इनमें मोस्टली लोग सारे बाहर से आसपास के छोटी छोटी जगहों से आए हुए दुकानदार होते हैं जो इस उम्मीद में यहाँ आते हैं कि मेले में जो सेल होगी वो अच्छी होगी और कुछ ऑब्वियसली पैसे वैसा यहाँ पर अच्छा कमा के जाएंगे वो लोग। तो हर तरह के जो लोकल मार्केट्स में सामान मिलता है वो यहाँ पर इन 2-4 दिनों में अवेलेबल होता है। ये 50 में पायल 50 में।
इस मेले का जो आयोजन है वो यहाँ जो आपके सामने रामगंगा नदी बह रही है इसके बिल्कुल एकदम साथ में होता है ये जगह जो काफ़ी बड़ी अवेलेबल है नीचे की तरफ, इसको बेसिकली पुराना बाज़ार भी आप बोल सकते हैं मासी का पीछे की तरफ, तो यहाँ ही मेले का आयोजन होता है। इस तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी थोड़ा दोनों तरफ इसके दुकानें लगी हुई हैं जो भी हमने देखी, आगे की तरफ भी कुछ और दुकानें हैं और उस तरफ थोड़े झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए। और इसके साथ में यहाँ पर मेले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी कुछ उसकी झलकियाँ। अचानक थोड़ा सा मौसम बदल सा गया है, बादल से लगे हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बारिश के आसार हैं, यह हर तरह से कुछ उड़ने लगा है। आई होपफुली ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा और सस्ते में निपट जाएगा, क्योंकि अभी ये वाला टाइम ही ऐसा है कि लोग आने शुरू हुए हैं और अगर अभी ये सब हो जाएगा तो एकदम ही बर्बाद हो जाएगा ये आज का दिन भी।
हाँ जी कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम जा रहे हैं, हम लोग पयान सॉन्ग गाते हैं। वो क्या होता है? वो होता है वो बर्बन शो में नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और मेले में हो? मेले में जाएंगे आप? जाओगे? कल गए थे, आज फिर जाओगे? कैसा हुआ इस बार का मेला? बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है, ठीक है जी। और आइए अब लिए चलता हूँ मैं आपको उस सेक्शन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ सी दिख रही है मुझे, क्योंकि बच्चों की शायद वो फेवरेट जगह है। कुछ खाने के स्टॉल हैं और झूले हैं। चलते चलते मिला मुझे एक बहुत ही बढ़िया जो चीज़, जो कि गन्ने का रस बनाने की स्टॉल है, दुकान है, और मुझे तो बेहद पसंद आई है। पीऊँगा मैं, लेकिन पहले एक बार आपको क्विक दिखा देता हूँ कैसे गन्ने का रस निकल रहा है। काफ़ी अब मेले का जो माहौल है थोड़ा सा थोड़ा गर्म सा होने लगा है, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे दिख गए हैं यहाँ पर, मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं। गणेश विद्या भैया भी पूरा बढ़िया। अभी कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? परमानेंट ठीक है, बस हो गया इमीडिएटली। आपका नाम क्या है? माय नेम अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, धन्यवाद अखिलेश कुमार। और ये है मैंने जो कुछ मेले में ख़रीदारी करी है बच्चों के लिए, कुछ ऐसी बॉल्स हैं, और एक ये है, और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो कि है ये।